हेलो दोस्तों, मैं सपना सिंह बीरची की जी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए आपके लिए बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट, घर पर कैसे बना के तैयार करें। तो चलिए अब हम जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए यहाँ पे लिया हमने डार्क कंपाउंड और हमने मिल्क कंपाउंड लिया है। तो इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस है 85 रुपीज और इसका प्राइस है 155। तो ये हमने जो है अलग अलग कंपनी के लिए, और आपको जो है अगर आपको सेम कंपनी के मिल रहे हैं तो आप जो है सेम कंपनी के भी ले सकते हैं, लेकिन डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों ही लीजिएगा, क्योंकि दोनों को मिक्स करने से हमारी चॉकलेट जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अब हम जो है इनको कट कर लेते हैं। देखिए इसको कट कर लिया हमने, अब इसको भी कट कर लेते हैं। हमने दोनों को कट कर लिया है। ऊपर से देखिए इसका कलर जो है हल्का फीका है और इसका कलर थोड़ा डार्क है, क्योंकि ये डार्क कंपाउंड है और ये मिल्क कंपाउंड है। हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं, तो हम जो है इसको तोड़ लेंगे। तो देखिए हमने इसको तोड़ लिया है कि हमने इसमें 4 पीसेस थे, इसमें 2 पीसेस हमने निकाल लिए। अब इसको जो हम प्लेट में रख लेते हैं और इसके भी हम 2 पीसेस निकाल लेते हैं, इसको भी तोड़ लेते हैं। देखिए इसको तोड़ लिया हमने, इसके भी हमने 2 पीसेस निकाल लिए हैं। तो हम जो है आधे की बना रहे हैं। आप जो है पूरा बनाना चाहते हैं तो आप पूरा ही बना सकते हैं, हम जो है आधे का बनाकर दिखा रहे हैं आपको। तो हमने जो दो दो पीसेस निकाल लिए हैं इसके, अब हम इसको जो है फिर से एक एक पीस कर लेते हैं इसका। इसका हमने इसको तोड़ लिया है, देखिए हमने तोड़ लिया है इसको। अब हम जो है इसको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के लिए एक बाउल ले लिया है, अब हम जो है कद्दूकस करेंगे। तो इसको हम जो है कद्दूकस कर लेते हैं। आप जो है कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप जो है इसको छोटे छोटे पीस में तोड़कर भी मेल्ट कर सकते हैं। हमें चॉकलेट मेल्ट करनी है तो इसलिए हम जो यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं। अगर थोड़े मोटे मोटे तोड़ते हैं चॉकलेट को तो वो उसमें मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे इसलिए हम जो है इसको कद्दूकस कर रहे हैं। कद्दूकस करने के बाद बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है चॉकलेट, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम जो है सारी इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हम इसको मिक्स कर दिया है अच्छे से, आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर जैसा लग रहा है। तो आपके पास जो है कद्दूकस करने के लिए टाइम नहीं है, या फिर आप कद्दूकस करने में जो आपको दिक्कत लग रही है तो आप जो उसको तोड़कर भी मेल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट में अंतर नहीं आएगा। तो हमने कद्दूकस तो कर लिया है, अब इसको जो हम डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पानी गर्म करने रख देते हैं। देखिए हमारा पानी जो है हल्का हल्का गर्म होने लग गया है। अब इसके ऊपर हमने जो चॉकलेट कद्दूकस किया है इसके ऊपर इसको हम बाउल को रख देते हैं इसके ऊपर, जिससे हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होने लगेगी। इसको घुमाते रहेंगे, चॉकलेट के अंदर जो है बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए वरना हमारी चॉकलेट खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर जो हम बिल्कुल भी पानी नहीं जाने देंगे, और उसकी जो पानी की भाप आएगी वो बाउल के नीचे ही रहेगी, बाउल के नीचे लगेगी तो हमारी चॉकलेट से मेल्ट होएगी। तो इसीलिए हम भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी हमारी और अंदर ही रहेगी। तो अब इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारी चॉकलेट जो है हल्की हल्की मेल्ट होने लग गई है, आप देख सकते हैं साइड से। आप जो है डबल बॉयलर पे भी इसको मेल्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास ओवन है तो उसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लग गई है। देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है सारी। अब हम जो है गैस बंद कर देंगे और इसी के ऊपर रखे हुए हम 1-2 मिनट के लिए इसके ऊपर रखे रहेंगे, जिससे हमारी चॉकलेट अच्छे से पूरी जो भी थोड़ी बहुत बची है वो मेल्ट हो जाए अच्छे से, और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर देंगे जिससे हमारे चॉकलेट के अंदर लम्स ना रहे एक भी।
तो देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। अब हम जो है अब इसको हम बाउल को निकाल लेते हैं, इसको ऊपर वाले बाउल को। देखिए पानी कितना गर्म है। तो देखिए हमने चॉकलेट को तो मेल्ट कर लिया है, और ये हमने लिए है चॉकलेट मोल्ड, ये हमने सिलिकॉन का चॉकलेट मोल्ड लिया है। और ये हमारे पास प्लास्टिक, तो आप कोई भी प्लास्टिक का ले सकते हैं, आप फिर सिलिकॉन का भी ले सकते हैं। तो हम जो है प्लास्टिक है इसमें भी जमा कर दिखाएंगे आपको चॉकलेट, और इसमें भी दिखाएंगे। तो पहले जो है आप इस पर डालते हैं, आप जो है चम्मच या फिर किसी से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे चॉकलेट। तो इस तरीके से हम सारे मोल्ड में चॉकलेट डालकर तैयार कर लेंगे। देखिए मोल्ड के अंदर हमने चॉकलेट डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे, यानी हल्का सा इसको इस तरीके से हिला देंगे, जिससे हमारा चॉकलेट एकदम से हिल जाए और इसमें लम्स ना रहे एक भी। तो इस तरीके से हमने टैप कर दिया इसको। अब इसको हम साइड कर देते हैं और दूसरे वाले मोल्ड में भी हम चॉकलेट डालकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉकलेट मोल्ड नहीं है तो आपके पास जो आइस क्यूब जमाने वाले हैं, आइस ट्रे, तो आप उसमें भी चॉकलेट जमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने दोनों मोल्ड के अंदर चॉकलेट डाल ली है। अब इसको भी हम जो है इसको हल्का सा टैप कर देंगे, यानी इसको हिला देंगे इस तरीके से। तो देखिए इसको भी हमने हिला दिया है। अब हम दोनों को जो है आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद जो हम जो है निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों आधे घंटे बाद हमने चॉकलेट को बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको हम जो है निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी जमी है चॉकलेट, बिल्कुल मार्केट की तरह बनके तैयार हुई है। तो चलिए सारे चॉकलेट हम जो है निकाल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए कितनी इजीली जो है हमारी चॉकलेट निकल रही है। देखिए सारी चॉकलेट जो है निकाल कर हम ट्रे में रख लेते हैं। देखिए हमने सारी चॉकलेट जो है निकालकर प्लेट में रख ली है, आप देख सकते हैं। और कितनी अच्छी जमी है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है देखने में भी, और देखिए डिजाइन भी बहुत अच्छी आई है। तो चलिए अब हम जो है इनको रैप करेंगे। तो ये हमने रैपिंग पेपर लिए, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों साइड से, इधर साइड से सिल्वर और इधर से रेड। तो चलिए हम जो आपको दोनों साइड से पैक करके दिखाएंगे। तो चलिए ये हमने लिया है चॉकलेट का बॉक्स, हमारे पास चॉकलेट का बॉक्स था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है रैप कर लेंगे और इसमें चॉकलेट रख देंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने चॉकलेट को रैप कर लिया है और हम इस बॉक्स के अंदर लगाते जाएंगे। और इसी तरीके से जो हम आपको एक और दिखाते हैं सिल्वर कलर की तरफ से, तो इस तरीके से लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। रैप करना बहुत ही आसान है। हम इसमें बॉक्स के अंदर रख देते हैं। तो इसी तरीके से जो हम सारी रैप कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमने चॉकलेट जो है रैप कर ली है, और इसके अंदर रैप करके हमने बॉक्स के अंदर लगा दिए, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने चार चॉकलेट जो है बिना रैप किए लगा दिए। तो और देखिए बाकी की बची हुई चॉकलेट हमारे पास ये है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।